अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। बॉलीवुड से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है। फेमस एक्टर सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके दोस्त अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए ये दुखद जानकारी शेयर की। सतीश कौशिक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन और स्क्रीन राइटर भी थे। उनकी मौत की खबर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। हालांकि अभी तक सतीश कौशिक के निधन की वजह सामने नहीं आई है। खबर है कि सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और इस समय वो दिल्ली NCR में ही रह रहे थे। उनकी बॉडी को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा। सतीश कौशिक के निधन की खबर से देश भर के फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कौशिक यहां गुरुग्राम में किसी अपने से मिलने आए थे और यहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें कार में ही हार्ट अटैक आया और उन्हें नहीं बचाया जा सका। सतीश कौशिक के दोस्त और एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, जानता हूँ मृत्यु इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। बता दें कि सतीश कौशिक अपने पीछे अपनी वाइफ शशि कौशिक के अलावा एक 11 साल की बेटी वंशिका को छोड़ गए हैं। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में हुआ था। उन्होंने 1972 में दिल्ली के कोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की है। सतीश कौशिक को मिस्टर इंडिया मूवी में कैलेंडर का किरदार निभाकर पहचान मिली थी। इसके बाद वो कई फिल्मों में साइड रोल में नजर आए थे। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी के दिलों में जगह बना ली थी। उन्हें राम लखन, साजन चले ससुराल मूवीज के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। वो इस समय कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी में काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच सतीश कौशिक के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।